हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल इदरीसी बटन स्टोर में। आज हम फिर से एक बार आए हुए हैं दौलत राम नर्सरी पर, और जैसा कि इनकी वीडियो में काफ़ी सारी पहले भी बना चुका हूं, तो आइए मिलते हैं हमारे चचा से। सर, आपका नाम क्या है? चचा मेरा नाम राज बहादुर। राज बहादुर, आप यहाँ काम करते हैं क्या? जी बहुत पुराने। चलिए चलिए। और ये नर्सरी कितने टाइम से चला रहे हैं आप? ये कम से कम होंगे 15 से 20 साल। तो आज आप हमें कौन कौन से पौधे दिखाने वाले हैं? पौधे तो आपके पास काफ़ी सारे लग रहे हैं। फिर बहुत सी बात है। ये राम बहादुर साहब जी, कौन सा पौधा है ये? चचा, ये हमारे लंदन पाइन बोलते हैं इसे। लंदन पाइन बोलते हैं। किस रेट की है ये? ये है करीब 800 रुपए की। 800 रुपए की, चलिए ठीक है। ये बॉन्साई शेप में बने हुए हैं सारे, क्यों? चलिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हर तरीके के परमानेंट पौधे, और जो है हैंगिंग पॉट्स, और मिट्टी के पॉट्स, प्लास्टिक पॉट्स, हर साइज के पॉट, और आपको जैविक खाद सारी यहीं पे मिल जाएगी। इनका नंबर मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, आइए जी। ये एरिका पाम है? ये एरिका पाम है। क्या रेट है इसका? इसके है 60 रुपये से लेके थोक से है, फिर है 80 रुपये तक। 80 रुपये तक का ये, अगर आप होलसेल में लेना चाहते हैं। इनका मेन काम जो है वो होलसेल का ही है, रिटेल भी कर देते हैं। अगर कोई बंदा आ जाए तो खाली हाथ नहीं जाएगा हालांकि, और रिटेल में भी इनके प्राइस काफ़ी अच्छे रहते हैं, रीजनेबल। और ये बताएं, ये कौन सा पौधा है अपना? ये जूनिपरस बोलते हैं। ये जूनिपरस कितने रुपए का है? ये 40 रुपए तक की है। चलिए मैं आपको धीरे धीरे करके दिखाता हूँ इनका सारा स्टॉक नर्सरी का, जो दौलत राम नर्सरी, जो कि मिनी बाईपास पीलीभीत बाईपास पे अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर रोड के आगे। तो ये कौन सा पौधा है? ये चंदनिया बोलते हैं। किस रेट की है ये? 50 रुपये का। 50 रुपये का ये आपको मिल जाएगा। काफ़ी सारे आगे एलोवेरा लगी हुई है। आइए उसके, ये कौन सा? वो दूर से मुझे लाल वाला दिख रहा है वो पौधा, फ्लड ऑन लाल वाला है। किस रेट का है वो? ये 500 रुपये का। 500 रुपये की। ये क्या चीज़ है? कलांचू। कलांचू है ये। कलांचू में देख सकते हैं आप कितने सारे बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन, और इसका पॉट का साइज भी लगभग 5 इंची के लगभग है। और ये कितने का पड़ता है एक पौधा सर? ये आपको पड़ेगा 150 रुपये का। ये 150 रुपीज़ का पड़ेगा। ये काफ़ी रीजनेबल इनके रेट हैं। आप परमानेंट ये पौधे यहाँ में बताया, जैसा कि आपको ये सारे परमानेंट पौधे हैं। आइए इसे चलते हैं। ये वाला क्या है पौधा? लाल डैफन। हाँ, ये देखें कितना शानदार और खूबसूरत पौधा लगता है। ये पत्ते का कलर बिल्कुल रेड हो जाता है। ये कितने का है ये पौधा? ये 400 रुपये का है। बड़ी होने पर ये बहुत अच्छी हो जाती है। ये बड़ी होने पर तो ये काफ़ी अच्छे से कलर बहुत अच्छे हो जाते हैं। मैंने इसके देखे हैं काफ़ी, और आपने भी शायद देखा हो, आप सर्च कर सकते हैं नेट पे। ये कितने की है? ये 300 रुपये की है। 300 रुपये की है ये। इसे क्या बोलते हैं? ये भी लाल डैफन। ये भी लाल डैफन में ही आती है। ये सारी लाल डैफन लगी हुई है इनकी। ये सारी 300-400 रुपये की रेंज में है। आप और ये आगे कौन सा एंथोरियम है? क्या एंथोरियम? 500 रुपये का। ये 500 रुपये का एंथोरियम है। इसकी हाइट मैं आपको दिखा दूँ अभी, एक पॉट की लगभग काफ़ी सारी है। ये तो छोटा 1 फुट के करीब हाइट है इसकी, और ये काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारे ब्रांचेस निकल रही हैं नीचे से इसके आगे। ये कौन सा पौधा? अच्छा, ये पन्नास है। कितने का है? ये 100 रुपये का। 100 रुपये का है। और ये आगे? ये CTC बोलते हैं, इसे परमानेंट है। कितने की है ये? ये 50 रुपये की। 50 रुपये की। इसके आगे ये आ जाते हैं क्रोटन। क्रोटन है। कितने रेट की है ये? ये 40 से 50 रुपये तक। ये 40 से 50 रुपये रेट तक की है ये, बाकी क्रोटन बाकी। आइए और मैं आपको दिखाता हूँ, आगे ले करके चलता हूँ। और इनके पास काफ़ी सारा स्टॉक है, अभी नया ही आया है, अभी कुछ दिनों पहले खाली था, क्योंकि इनकी जो गाड़ियाँ आती हैं वो आती हैं, और जो है जो बरेली के नर्सरी विक्रेता हैं वो इनसे ख़रीद करके ले जाते हैं, तो इनके पास जो है स्टॉक कम ही रहता है। आज ये कितने की है? ये 50 रुपये की। 50 रुपये की। ये देख सकते हैं ये काफ़ी सारी लगी हुई है। इसके आगे ये आ जाएँ, ये एरुकेरिया है। ये किस रेट की है? ये 100 रुपये की। इसकी हाइट लगभग 1 फिट होगी। हाँ, 1 फिट। आइए मैं आपको और एक, ये कौन सा है? ये रविश पाम। ये रविश पाम है। रविश पाम ये कितने का पड़ता है? 150 रुपये का। 150 रुपये का। ये देख सकते हैं काफ़ी सारे रविश पाम लगे हुए हैं। मुझे एक चीज़ और अच्छी लगी यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये कमेलिया के पौधे हैं, क्यों? किस रेट के हैं ये? 200 रुपये की है। 200 रुपये की कमेलिया है। इसके बराबर में ये जरबेरा भी लगा हुआ है। जरबेरा का क्या रेट है इसका? 120 रुपये। 120 रुपये। और ये 50 रुपये का? ये डकसेना है। डकसेना ये 50 रुपये का। इसके बराबर में आ जाते हैं ये वाला पौधा, ये 50 रुपये का। कहना ले लीजिए या फिर वैसे ही? नहीं, कहना आइए। ये कहना बोलते हैं। चलिए ठीक है, आइए और आगे आपको लेके चलता हूँ मैं इनके यहाँ। काफ़ी सारा स्टॉक है। आज वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, बट आपको मज़ा भी आएगा वीडियो देखने में, क्योंकि काफ़ी सारा इनका स्टॉक। ये तो मैं दिखा चुका हूँ आपको पौधा, और आगे लेकर के चलता हूँ मैं। ये रहे हमारा, ये कौन सा पौधा है? ये सफलेरा है। ये सफलेरा, ये किस रेट का है? ये 120 रुपये का चल रहा है। 120 रुपये का है। इसका पॉट का साइज क्या होगा? लगभग 6 इंच के करीब इसका होगा, कम से कम तो मैं पॉट से 2 फिट के करीब इसकी हाइट है, और पॉट जो है
ये देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे पौधे इनके पास सफलेरा के भी हैं जो कि वेरीगेटेड है। इसकी एक हरी भी आती है, ये आ जाए इस पे। ये चाइना पाम है क्या? हाँ ये चाइना पाम कितने है, का चालीस है ये? रुपये, 40 रुपये का है ये। 40 रुपए का, बहुत सस्ता रेट है इसका, देख सकते हैं कितना रीजनेबल रेट है यहाँ पे, 40 रुपए थोक से का। भी लेंगे हमारे यहाँ पर व्यापारी, हमें और भी कंडीशन कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे व्यापारियों के लिए विशेष छूट है वहाँ। और इस ये एरिका पाम है ना? नहीं ये एरिका नहीं है, ये न्यू पाम है, ये न्यू पाम है, देख सकते हैं इसकी ब्रांच। ये रबोनिया सिंगल पाम है, ये पाम है, वाला रबोनिया ये पाम है ये। और ये किस रेट का है ये? 60 रुपये का है ये। ये लगभग इसकी हाइट भी 2 फिट के करीब होगी। आइए और मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये जो लगी हुई है क्रोटन क्रोटन, है, बेंगलुरु है क्या? हाँ हाँ बेंगलुरु कितने है, की है ये? वो वाली 100 रुपये की है। 100 रुपए की आपको क्रोटन मिल जाएगी। और ये आप देख सकते हैं, इसके बाद ये आया, ये हमारा न्यू पाम है क्या? पोनिस पाम, ये वाला फोनिस हाँ पाम, पोनिस पाम है ये फोनिस पाम है। ये कितने का है? ये हमारा थोक में 30 रुपये चल रहा है, बाकी 40 रुपये तक का है। 40 रुपए तक का आपको, देख सकते हैं थोक में और रिटेल में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे रिटेल भी करते हैं ये, तो आप यहाँ पे बड़े अच्छे रीजनेबल प्राइस में यहाँ से ख़रीद सकते हैं। आइए मैं आपको और इनका नर्सरी का थोड़ा सा और व्यू कराता हूँ। ये देख सकते हैं हम कहाँ तक आ चुके हैं वहाँ से एक्सप्लोर करते करते वीडियो। और ये अभी इनकी और भी गाड़ियाँ आने वाली हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तैयारियाँ चल रही हैं पौधे रखने के लिए। और वो देख सकते हैं वो कौन सा पौधा वो रखा हुआ फैकस है, है, वो देख सकते हैं आप, ये फाइकस का वो पौधा सौ है, रुपये का है, ये 100 रुपए का। काफ़ी अच्छे अच्छे आंध्रा साथी गाड़ी, ये आंध्रा सा आता। और ये देख सकते हैं ये साइप्रस है, ये ये पूना सा है, साइप्रस, चचा इसके बराबर में खड़े हुए, इसकी हाइट देख सकते हैं आप कितनी है। चचा की हाइट हमारे 5 फुट कुछ इंच की है, ये हमारा हाइट लगभग कम जो से कम है तो 7 फिट, 6 फिट से भी ऊपर है, 7 फिट के समथिंग इसकी जो है हाइट है। ये किस रेट का है? 1000 रुपये का देते हैं, और कस्टमर आता है थोक वाला तो उसके लिए डिस्काउंट देने के लिए डिस्काउंट कर पूरी उससे बात तो करते हैं। कम का मिलेगा ही, जाहिर सी बात है। आइए और आपको दिखाता हूँ। ये ज़्यादातर इनकी जो है बुकिंग ज़्यादा रहती है, क्योंकि कॉलेजेस में इनकी जो है डिमांड ज़्यादा रहती है ऐसे पौधों की। और ये देख सकते हैं ये कौन सा ये पौधा है बिस्मारिया चिच्चा? पाम है, बिस्मारिया पाम, हाँ ये देख सकते हैं इसका छोटा साइज भी है। छोटा साइज कितने का है ये इसका? छोटा वाला 800 रुपये का है, और बड़ा वाला इसका काफ़ी बड़ा साइज ये है। वो चच्चा तीन इसके हजार बराबर का में है, खड़े होना जरा, थोड़ा सा देख सकते हैं आप इसका हाइट कितनी है। ये देखिए चचा से भी लंबा आई है, लगभग 6-7 फिट तक का वो देख सकते हैं, 7 से भी पाँच ऊपर से निकल सात फिट गया है। तक का है। चलिए आइए मैं आपको और लेके चलता हूँ अंदर इनके। ये हमारे एक चचा काम कर रहे हैं, देख सकते हैं। और चचा खरीद हैं, ये एरिका पाम है, इसकी हाइट थोड़ी बड़ी है। ये चार इसका से क्या रेट पाँच, है? ये 150 रुपये तक का है, 150 रुपए का पाम और व्यापारी है, के लिए इसमें छूट होती है व्यापारी के लिए छोड़ा। थोक और में। अगर आप शौकीन है बॉन्साई टाइप के, तो इस तरीके से इनके पास ये कलेक्शन भी लगा हुआ है जो कि फाइकस का है, ग्रीन वाली है। कितने रुपए का ये इसका छः हजार पौधा रुपये की पता? है बड़ी वाली, बड़ी वाली ये हाइट इसकी काफ़ी है, इसकी भी लगभग 6 फिट से ऊपर हाइट है, 7 फिट के करीब, ये 6000 रुपये। और ये छोटी ये चार वाली, हजार रुपये की छोटी वाली छोटी फाइकस वाली पांडा चार बोलते हैं, रुपए पीला की वाला। फाइकस पांडा। बाकी आपको लेके चलता हूँ। और ये सारा जितना भी एरिका पाम लगा हुआ है, ये 150 रुपीज़ के करीब समथिंग अराउंड आपको ये मिल जाएगा। और आप प्राइस में नेगोशिएट कर सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा। बहरहाल अब आपको लेके चलते हैं इनकी गुलाब की रेंज पे। ये गुलाब की वैरायटी इनके पास काफ़ी सारी रखी लगी हुई है। ये कहाँ की वैरायटी है? हाइब्रिड रोज़ है ये? ये हाइब्रिड बंगलोर की है, मगर अभी खिला हुआ ना आया, खिला अभी हुआ खिला हुआ होगा तो नहीं कलर है। भी इसकी बहुत अच्छी हाँ बेहतरीन ये लग कितने रही रेट का थी। पड़ता है इसका पौधा? ये 100 रुपये से लेके चलता है इसमें, हाँ ये काफ़ी बड़ी पॉलीथिन में है, इस पर अभी दस लगे फ्लावरिंग हुए जो हैं, है आया था तो इन्होंने कट कर दिया, प्रोनिंग कर दिया दोबारा से, दस तो लग चुके ये इसमें। अंदर। और ये आ जाइए इसके ये साथ ही, बोगनवेलिया है, ये ये बोगनवेलिया पूना है, की है, ये पुणे की वैरायटी है। ये किस रेट की है? ये 100 रुपये की चल रही है। 100 रुपए की। आइए मैं गुलाब आपको दिखाऊं, ये तो बड़ी थैली में था, इसका रेट ज़्यादा है शायद आपको लगे, बट इसके साथ ये छोटा, ये देख सकते हैं ये छोटी थैली में। ये किस रेट का है? इसका 60 रुपये चल रहा है, 60 रुपए का इसका रेट है, आप ले ये सकते कलकत्ते हैं। यहाँ पे का आया कलकत्ते का है ये, मैं लाल 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 पत्ते इसके देख पा रहा हूँ। ये चच्चा कौन सा पौधा ये है ये वाला? कृष्णा, कृष्णा फाइकस बोलते हैं इसे, हाँ अच्छा ये कृष्णा फाइकस है ये। हाँ ये पॉट में हो जाता है या फिर ज़मीन में लगाना पड़ता है जमीन में इसको? लगा दो और अच्छा चलता है, पॉट में लगाओ तब भी मतलब थोड़ा धीमे पड़ता है, ये अच्छा 50 रुपये का रेंज है। 50 रुपए का इसका रेट। हाँ चलिए ठीक है और आगे चलते हैं। ये ये इसकी सैप्रस है छोटी साइप्रस वाली, छोटी वाली, ये कितने का? ये देख सकते ये हैं छोटा। 50 रुपये का, ये अगर बहुत कम है। आप ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए जैसा मैंने हाँ अभी आपको दिखाया था 1000-1500 रुपए का जो रेट बता हाँ रहे थे उसी में चाचा, का ये छोटा उसी ले में का ये सकते हैं आप, छोटा है। ये किस रेट का बताया था ये चाचा? 50 रुपये का है, 50 रुपए। कितना मतलब रीजनेबल प्राइस है जितना आसान आपको में हो यहाँ से जाएगा उतने 1000 के वाले के उतना बराबर। ही बराबर हो जाएगा। ये कौन सा पौधा चाचा? ये ये बेला गुलाब, है पूना का, ये बेला है, हाँ ये इसकी क्या चालीस रेट रुपये है? का है, ये 40 रुपए का एक है। फुट की हाइट है इसकी, ये हाँ इसकी एक डेढ़ फीट फुट हाइट तक की है, है। ये फ्लावरिंग पे है क्योंकि जाड़ों भर इसकी फ्लावरिंग चलती रहती है। ये हमारा कौन सा पौधा है? ये गुड़हल गुड़हल का है, है।
ये गुड़हल मिनी वाली है क्या? हाँ, ये बॉन साइज वाली है, छोटी सी। इसका साइज काफी अच्छा होता है, मेरे पास है इसमें की गुड़हल, जो कि काफी अच्छी इसकी जो है कंडीशन बनी हुई है अभी भी। तो ये देख सकते हैं काफी दूर दूर तक है, हम ज्यादा जो है डिटेल में नहीं जा रहे हैं, फिर भी थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ कर आपको दिखा रहे हैं, और जो मेन पौधे हैं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा करी पत्ता है, ये करी पत्ता कितने का? 10 रुपए का। इसके साथ ये बेल काय की है, ये जो लगी हुई है घड़ी बेल है, कितने की पड़ती है ये? 150 रुपए की। 150 रुपए की घड़ी बेल है। और ये हमारा मोर पंखी वाली कितने की? ये 200 रुपए की। 200 रुपए की ये मोर पंखी देख सकते हैं, इसकी लगभग ये 9 इंची के पॉड में लगा हुआ है। और ये तेज पत्ता भी मेरे ख्याल से दिख रहा है, ये तेज पत्ता किस रेट है इसका? ये 50 रुपए की रेट में चल, 50 रुपए की रेट में ये तेज पत्ता है। तो दोस्तों यहाँ आप आ सकते हैं और बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको यहाँ आकर के, काफ़ी सारी वैरायटी दोस्तों वैसे भी छूट हो जाती है। ये देख सकते हैं ये अनार लगा हुआ है, और ये देख सकते हैं ये फ्रूटिंग वाले प्लांट्स भी कुछ लगे हुए हैं यहाँ पे, जैसे अनार। ये किस रेट का है अनार? 100 रुपए का चल रहा है। 100 रुपए का अनार, कौन सी वैरायटी है ये? ये कंधारी बोलते हैं, लाल वाला कंधारी, जो कि इस टाइम चल रहा है। इसका रेट काफ़ी हाई है मार्केट में इस टाइम पर, क्योंकि मैंने भी अभी लिए थे तो 200 के समथिंग रुपए केजी के हिसाब से मिला था इसका अनार। यही वाला अनार मेरे घर पे भी लगा हुआ है, जिस पे जो है इस टाइम अभी पतझड़ के बाद नई कली निकलना शुरू हुई है। ये कौन सा फाइकस है? ये फाइकस पांडा है। ये पांडा कितने का है? ये काफ़ी अच्छा शानदार लग रहा है। ये 150 रुपए का है। 150 रुपए का। इसकी बॉल बहुत अच्छी बन जाती है, इसकी बॉल बना सकते हैं आप, जैसा कि आपने देखा होगा बॉन्साई टाइप की। और ये तो हमारी वही है। और ये हमारा क्या लगा हुआ है? अच्छा, ये सब सीजनल है, ये डहलिया है। ये डहलिया सीजनल है। ये कितने की है? कलकत्ते की 20 रुपए की चल रही है। ये 20 रुपए रेट है इसका, देख सकते हैं ये बहुत वैरायटी है, प्राइस है। आइए, इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी बता रहे हैं। और ये मिर्च विर्च जारी लगी हुई है, ये सीजनल है। स्ट्रॉबेरी के भी पौधे आपको मिल जाएंगे। स्ट्रॉबेरी है, किस रेट का स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी 25 रुपया है। और ये बैगन के भी पौधे हैं, मिर्च के भी हैं। ये कौन सा पौधा है? ये वाला सननेरिया कितने का पड़ता है? ये 20 रुपए की। ये फ्लावरिंग है क्या? हाँ, ये देख सकते हैं गुलाब भी लगा हुआ है इसी के साइड में। ये सीजनल सारे प्लांट, ये डहलिया लग रहा है, जरबेरा सॉरी। ये किस रेट का जरबेरा? 50 रुपए का है। 50 रुपए का। आइए आगे चलते हैं, गुलाब उधर लगा हुआ है। और ये हमारे काफी सारा ये हिबिस्कस फ्रेशर आ गया हमारा, इसका क्या रेट है? ये 40 रुपए की चल रही है। ये थैली के अंदर है, इसकी 40 रुपए का रेट है। ये छोटे थैली के अंदर देख सकते हैं, और इसी के बराबर से ही ये बड़ी थैली में है। ये है किसका? गुड़हल का। और ये चच्चा ये वाली? ये गुड़हल है। ये किस रेट की है? ये 80 रुपए की है। 80 रुपए काफ़ी बड़ी और काफ़ी इसकी जो है कंडीशन अच्छी है। तो ये देख सकते हैं, ये था हमारा आज आपको जो है नर्सरी हम लेके आए थे, जो कि जनवरी एंड होने वाली है। अभी इनके पास और भी काफ़ी सारे पौधे आने वाले हैं नए नए, तो मैं वैसे वैसे आपको जो है इनके पौधों का जो है एक्सप्लोर कराता रहूँगा। और ये कौन सा पौधा है? अच्छा, ये अंजीर है। अंजीर है, ये अंजीर देखिए लगी हुई भी है, ये फल लगा हुआ है इस पर। ये आप खरीद सकते हैं, ये गमले में हो जाएगी। हाँ हाँ। किस रेट की है? ये 150 रुपए की चल रही है। 150 रुपए की। छूट भी कर दे। और ये वाला? ये सीजनल है, गेंदी है। गेंदा है, गेंदी है, ये सीजनल है। 10 रुपए। तो ये चाचा ये बताएं इसका एड्रेस अपने नर्सरी पर, कोई बंदा आता है तो कैसे आएगा? ये आप डेवलप नर्सरी पीलीभीत बाईपास। हाँ, तो लगती है तोला शेरपुर पर। हाँ हाँ, अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर? मोटरसाइकिल एजेंसी के पास में। अच्छा, एजेंसी के पास में। ये सोफटा रोड भी यहाँ पास में है? सोफटा के चौराहे से थोड़ा वाले रोड पे है, सैटेलाइट वाले रोड पे लेफ्ट हैंड पे है। तो अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर है हमारा, दे दें। 97 19। हाँ, 29 जी, 99 जी, 22 बाय। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका नंबर भी मैं दे दूंगा, और धर्मेंद्र भाई का भी नंबर मैं इनका दे दूंगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।